एक चाय वाले का लड़का जो पूरे भारत का प्रधानमंत्री है, तो हम यहाँ पर उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में नहीं बात करेंगे। अगर आप पॉलिटिक्स वाली नजरों से हटकर देखो तो नरेंद्र मोदी जी सच में एक महान कैरेक्टर वाले इंसान हैं। आप ये कह सकते हो कि उन्होंने अपने पूरे जीवन को ही देश की भक्ति में लगा दिया और वो आज भी यही कर रहे हैं। आप सोच कर ही देखो कि एक इंसान जो चाय बेच रहा था और वो आज पूरे भारत का प्रधानमंत्री है, उनके अंदर कुछ तो ऐसी खास बात होगी। तो मैं आपको उनके जीवन से जुड़ी 5 लेसन्स बताऊंगा जो मैंने उनसे सीखी। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्या पता कोई चीज़ आपके जीवन में एक दिशा दे दे। और हाँ, ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर करना जिन्हें आपको लगता हो कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेसन 1, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी इंसान की सफलता में। अगर आप नरेंद्र मोदी जी की ही जीवन को देखो तो उन्होंने बचपन से लेकर अभी तक एक ही काम किया है, जो है देशभक्ति। आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्हें ये पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने NCC यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स का कोर्स पूरा किया है, जो कि एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। इससे आप ये अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि वो कितने कंसिस्टेंट है देशभक्ति के प्रति। लेसन नंबर 2, फोकस। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उस काम में डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने पूरे जीवन को एक ही चीज़ में लगा दिया। वो एक सन्यासी हैं, उनके पास कहाँ कोई बच्चे लड़का लड़की थे। उन्होंने अपना पूरा फोकस एक ही चीज़ में लगा दिया, जो था देश की सेवा। तो फोकस कितना ज़रूरी है वो आप भी समझ गए होंगे। लेसन नंबर 3, पॉजिटिव अप्रोच। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो हर बात को नेगेटिव वे में लेता है और दूसरे लोगों की नेगेटिव बातों को दिल पर लेकर बैठे रहता है, तो आप अपने रास्ते में खुद ही गड्ढा खोद रहे हो। ये बात आप नरेंद्र मोदी जी से भी सीख सकते हो। जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब उन पर बहुत सारे झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते थे। लोग उनसे जलते थे और उन्हें बुरा भला कहते थे, और उस समय अमेरिका ने उन्हें वीज़ा देने से भी मना कर दिया था। लेकिन उन्होंने कभी इन सब चीज़ों को नेगेटिव वे में नहीं लिया। और इसके बाद जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने, तब वही देश अमेरिका, जो उन्हें वीज़ा देने तक तैयार नहीं था, फिर वही देश उनके नाम का नारा लगाकर उनका स्वागत किया। तो दोस्तों, पॉजिटिव अप्रोच कितना इम्पोर्टेंट अपने लाइफ में वो आप तो अभी तक सीख ही गए होंगे। लेसन नंबर 4, काम को प्रायोरिटी। जितना ज़रूरी कंसिस्टेंसी, फोकस और पॉजिटिव अप्रोच है, उतना ही ज़रूरी अपने काम को प्रायोरिटाइज करना भी ज़रूरी है। आज के समय के भागदौड़ वाली ज़िंदगी में, जहाँ हर इंसान को कोई ना कोई किसी ना किसी टाइप का जॉब करना है, किसी को ये करना है तो किसी को वो करना है, और आज के समय में ऐसे भी लोग हैं जो इंजीनियरिंग करके कॉल सेंटर में काम करते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये किसी का बचपन का सपना होगा कि उसे बड़े होकर कॉल सेंटर में जॉब करना है, डिलीवरी बॉय का जॉब करना है, या फिर कोई स्वीपर बनना है और बड़े बड़े होटल्स के बाहर झाड़ू मार रहा है। पर क्या करें यार, करना पड़ता है। पर अपने काम को प्रायोरिटी देना आप मोदी जी से काफ़ी अच्छे से सीख सकते हो। उन्होंने अपने काम के लिए अपना घर परिवार तक छोड़ दिया था। सफल होने के लिए आपको अपने काम में डूबना पड़ता है, ये भी एक प्रकार का नियम है। लेसन 5, स्टेप बाय स्टेप। एक एक स्टेप बहुत कीमती होता है। झोपड़ा तो एक रात में ही बन सकता है, लेकिन महल बनने में सालों लग जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी भी एक रात में देश के प्रधानमंत्री नहीं बन गए थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पहले एक कार्यकर्ता के रूप में किया, फिर वो RSS के लीडर बने, फिर उन्होंने BJP ज्वाइन किया, फिर वो BJP की लीडर बने, फिर गुजरात के CM बने, फिर उसे कई सालों बाद जाकर वो प्रधानमंत्री बने। अगर वो भी पढ़ाई पूरी करने के बाद सीधा प्रधानमंत्री बनने निकल जाते, तो शायद वो भी राहुल गांधी जी की तरह ही संघर्ष कर रहे होते। और भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने ये बात कही है कि तुम फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि रिजल्ट तो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी का करियर पॉलिटिक्स में कैसा होगा वो तो हमें इतिहास ही बताएगा, लेकिन सच में वो इंसान बहुत लोगों की इंस्पिरेशन है। तो नरेंद्र मोदी जी से आपने क्या सीखा है आप वो हमें कमेंट में बता सकते हो।
जय हिंद।